मैं कुछ छोटी छोटी और भी बातें कह देना चाहता हूं। आंदोलनों को लेकर के बहुत से प्रश्न उठे, आदरणीय अन्ना हजारे जी को लेकर के भी बहुत से प्रश्न उठे। हमने कहा था और आज भी हम उस बात पर कायम हैं, आदरणीय अन्ना जी के सोशल एजेंडे के हम साथ थे, आज हैं और आगे भी यदि वो सोशल कोज लेकर के खड़े होंगे तो हम साथ देंगे। बात जहां तक टीम की है, मैं आज भी उसी बात पर अडिग हूं, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी करके विवाद नहीं पैदा करना चाहते और इस मंच से कोई भी टिप्पणी किसी व्यक्ति पर होगी ही नहीं। मैंने सुना बहन किरण जी को, शायद मैंने कोई ऐसा वाक्य तो नहीं बोला, लेकिन उनको किसी मेरे उत्तर से शायद थोड़ा पीड़ा हुई। मैं बहन किरण बेदी जी और हमारे जस्टिस हेगड़े साहब, क्योंकि वो भी उस टीम के ही सदस्य थे, क्योंकि अब टीम को खत्म हो चुकी है, लेकिन हम जस्टिस हेगड़े जी का, भाई संतोष हेगड़े जी का और बहन किरण बेदी जी का भी इस मंच से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा की, इसलिए यहां व्यक्तियों को मुद्दा ना बनाया जाए। मुद्दा बाबा रामदेव अन्ना हजारे, आप जो नीचे ऊपर बैठे हैं ये, और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ में हैं, व्यक्ति मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्था मुद्दा है और व्यवस्था बदलनी चाहिए और हम व्यवस्था को बदलें। पवन बंसल जी का बयान आया है कि सितंबर तक लोकपाल बन जाएगा, थोड़ा सा और साहस कीजिए, इसी सत्र में मजबूत लोकपाल पास कीजिए। पिछले दिनों चर्चा हो रही थी कि अब लोकपाल की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मैं आज आपसे वादा करता हूं लोकपाल की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब इसके पूरे होने का वक्त आया है और मात्र लोकपाल की लड़ाई के ही पूरे होने का वक्त नहीं आया। भाई बहनों, मजबूत लोकपाल तो देश को देना ही होगा, क्योंकि लोकपाल बनाने से किसी सज्जन व्यक्ति को दंड नहीं मिलने वाला, लोकपाल बनाने से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को दंड मिलने वाला है और वो बनना ही चाहिए। यदि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो लोकपाल क्या भाई, लोकपाल को बाप बना दो ना, दिक्कत क्या हो रही है भाई। हमने यदि अपराध नहीं किया है तो लोकपाल क्या उससे भी कोई मजबूत कानून हो सकता है, तो बनाना चाहिए। एक भी सज्जन व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और एक भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होनी चाहिए। हमारे पुलिस और प्रशासन के भाई यहां पर विद्यमान हैं, हम तो सन्यासी हैं। हमारे इन दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों को भी हमारी ओर से अभिनंदन है, इन्होंने अपनी पिछली गलती दोबारा से नहीं दोहराई, उसके लिए इनका धन्यवाद। भाई ये पंखा मत चलाओ रे भाई, देखो भाई जैसे तुम रहोगे ना, बाबा भी तुम्हारी तरह ही यहां पर रहेगा। यहां किसी के ऊपर पंखा नहीं लगा है तो बाबा के ऊपर भी पंखा नहीं लगेगा। अरे तब करना है तो करना, अपने पूर्वजों ने कितना तप किया जरा सोचो, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के इस देश को आजादी दिलवाई है, और अपने पूर्वजों की शहादत बलिदान और कुर्बानी की बदौलत मिली यह आजादी। आज काला धन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, हमें चाहे कितना ही तप करना पड़े, शहीदों की शहादत की बदौलत मिली इस आजादी को हम नीलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमारा है, ये प्रतिज्ञा हमारी है, इसीलिए अपने स्वधर्म योग धर्म अध्यात्म धर्म के साथ इस राष्ट्र धर्म के पथ पर आगे चलने का व्रत लिया। भाई बहनों, मैं बात कह रहा था कि
भगवान बंसल जी पिछली बार भी मुझसे मिलने के लिए आए थे, इस बार दूर दूर से ही बयान दे रहे हैं। आइए कौन बंसल जी, आपका पुनः ये पंडाल इंतजार कर रहा है।